अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका दोस्त हमदा खान और आज हम अपना फर्स्ट व्लॉग शुरू करने जा रहे हैं। और सारे व्लॉग की प्लानिंग हमारे इस भाई ने बताई है ठीक है और ये भाई। कह रहे थे कि आप व्लॉग शुरू स्टार्ट करें तो आपका चैनल मोनेटाइज करेंगे इंशाल्लाह। देखते हैं आगे क्या होता है। हमारा दोस्त गया हुआ बाहर तो वो आ रहा है क्या थोड़ी नाम है देर उसका? बाद। शुएब वो शुएब दुल्ताना। दुल्ताना उर्फ टिक्के खां। और मिलते हैं छोटे अगले शॉट के भाई बाद। उस टाइम हम बाबा जहांगीर के घर बैठे हुए थे तो अब हम जा रहे हैं खाना खाने क्योंकि सबको बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। कच्ची पक्की जा रहे हैं, कच्ची पक्की कच्ची जा रहे थे पक्की और उस टाइम आपको बता रहे थे कि ये हमारा नवाब दोस्त शेख खान नवाब दत्तान शेख खान साहब। दत्तान साहब उर्फ जी टिक्का जी साहब। जी जी ये दानियाल की शॉप है, आप देख सकते हैं हमारे पीछे। तो अब हम जा पिज़्ज़ा रहे हैं स्लाइस। पिज्जा स्लाइस, अब हम जा रहे हैं क्या कहते हैं कच्ची पक्की खाना खाने। और गाड़ी दिखाएं, गाड़ी पे चलते हैं और फिर चलते हैं खाना खाने इंशाल्लाह। चलो, चाबी किसके पास थी? ये अब हमारा दोस्त गाड़ी लेके गया हुआ था, उसने सारा पेट्रोल ख़त्म कर दिया। भाई इधर से पास ही हमारे है, पेट्रोल डलवाएंगे। और आज पूछते हैं कि ये हमारे भाई बहुत दिनों बाद हमें मिले हैं तो जहाँ भाई आप क्या खाएंगे? यार इरादा तो है इंशाल्लाह, कोई मुर्गा वगैरह करते हैं। बाकी यार अच्छा देखते हैं, वहां पे चल के सुना है कि काफी अच्छा टेस्ट है उनका। चलो वो अच्छा, बकरा। पहली बार ना मैं उधर गया था तो उनका टेस्ट मुझे बड़ा अच्छा लगा तो उधर जाके भाई को खिलाते हैं वहां पे कढ़ाई। आपको लेकर कौन गया था? वो शुएब भाई लेके गए थे, शुएब भाई लेके गए थे तो उधर इनके पैसे खत्म हो गए थे, फिर इन्होंने 2 महीने बर्तन भी धोए हैं वहां पे। उसके अच्छा, बाद गजब बेइज्जती है। वैसे पेट्रोल कौन डलवाए? 1500 का डलवा दो, 350 आ जाएगा। अच्छा जी, पेट्रोल डलवाने लगे हैं तो रास्ता काफ़ी लंबा है और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अच्छा, अब हम पेट्रोल डलवाने लगे थे तो ये भाई साहब कह रहे मेरा पर्स घर रह गया। मेरा घर तो रह अब गया, शाह जी डलवा देंगे। शाह जी कहाँ डलवाएंगे, अब जैश कैश करते हैं भाई को तो इजी पैसा कर दो इसको देख। जी यार, ये दोस्तों की समझ ही नहीं आती, आपको पता है कि दोस्त किस तरह के होते हैं। अब दानियाल साहब ने ना अपने भाई का फोन लेके आ गए और वो बार बार कॉल कर रहे हैं कि फोन दे जो भाई वापस। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो वो कहते हैं ना कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, तो प्रोग्राम बढ़ना ही से कहते हैं, खाना खाया नहीं वापस मुंह उठा के जाने लगे हैं। ये भाई की शॉप पे पहुंच रहे हैं और दानियाल जाओ फोन दे के आओ, अब ये फोन देने जा रहा है तो अभी आ जाता वो है। इनका कुक ये अभी भी इसी जल्दी में है कि हम जल्दी जल्दी आके खाना खा रहे हैं, मुस्कुराते हुए अभी भी ये कुछ भूल के आएगा। भूखा है, भूखा भूखा है बहुत बड़ा। यार भाई आप कुछ और तो नहीं भूल के आए? नहीं भाई, अब कुछ नहीं रहना, पक्की बात है। कुछ नहीं रहना, आखिरी पैसा देख ले। जी भाई देख लिया। अब हम पहुंच आए हैं, ये वो जगह है जहाँ शुएब भाई ने मुझे फर्स्ट टाइम खाना खिलाया था और कसम से बहुत मजे का खाना है इनका, बहुत मजे का। अब आगे उनको ऑर्डर करते हैं, देखते हैं। आगे पहुंचे हैं, आगे चलते हैं क्या क्या है इनके पास। और वो देखें जगह बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है, क्या बनाया हुआ है, सिस्टम है इनका तो लेवल है, बहुत तेज हो रहा है। अच्छा हम आ गए, ये भाई आए हैं। भाई क्या क्या होगा इधर? दस मुर्गा बकरा कटा चिकन। अच्छा मुर्गा ठीक है, ये बकरा। अच्छा बकरा मटन कर ले, मटन मटन यार एक मटन कर दे। अच्छा 1 किलो 2 किलो 1 kg मटन कर दो, 1 किलो 2 किलो। अच्छा यार सब ने डिसाइड किया तो बकरा खाएंगे, भाई 2 किलो बकरा ला दे। ठीक है भाई, ठीक है। किलो का रेट किस तरह? You serious? अच्छा दो ऑर्डर करवाए थे। अपना नाम है दो छोटे बस। कौन कौन से? जो सबसे छोटा चूजा हो ना वो वाला निकाल। सारे छोटा 600 ग्राम, आधा किलो हो जाए जेड़ा। ये वाला कह रहे हैं? एक ये खले, ये आगे खले। ये वाला कर दें फिर आप। ये वाला हाँ गलती की है, फिर घर में ये ठीक है। खड़ी की बोल लेके आने थी वो पाव पाव की थी चूजिया। पाव पाव की थी, चले ये कर दे यार आप। पाव पाव वो थोड़ा जल्दी ला देना। मटन मटन हाँ मटन करवा दे आधा किलो।
देसी शोरबे वाला। अच्छा आ जाओ यार, गुजरे पे चलते हैं, गुजरे पे, गुजरे पे, गुजरे पे आ जाओ, गुजरे पे उधर बैठ के हम खाना खाएंगे, गुजरे पे आ जाओ, गुजरे पे आ जाओ भाई, गुजरे पे आओ। ओए हाय हाय हाय, वो भाई वॉशरूम करने जा रहे हैं, अभी उतरे ही है। शेब भाई, शेब भाई हाथ ला दो, हाथ ला दो, हाथ ला दो, हाथ ला दो, टाटा कर दो, बाय बाय। ओ यहाँ नहीं, आप क्या कह रहे थे? कुछ नहीं भाई, आपने कुछ कहना नहीं भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो बैठो यार, इधर बैठो, बैठे यार। अब आपको एक चीज दिखाता हूँ जो कि दो बंदों ने सारी खा ली है। ये भाई वो प्लेट रख के गए थे, और ये दानियाल भाई ने, ये और ये किधर भाई ने सारी खा ली है। एक भी छोड़ी कि ताकि रोटी आज उसके साथ खा ले ना, इनको भूख बहुत ज्यादा ही लगी हुई थी। दानियाल शाह साहब ने समझदारी की थी, उन्होंने प्लेट लग रखी थी, लेकिन मैंने बेवकूफी की तो फिर आगे रख ली, लिहाजा अब तो खत्म हो गया। टाइम के बाद हमारा खाना आ गया, और खिजर भाई अभी भी पता नहीं क्या कर रहे हैं, वे पी रहे हैं, और खाना ये आ गया। बंदा देख के चला गया, उसको कहा हमने अभी रुक जाओ, ऑर्डर और भी देना है, उसको बहुत जल्दी थी, चला गया। ये शुएब भाई ने तो सब्र भी नहीं किया और खा रहे हैं। चले हम भी खाना खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। हमने खाना खा लिया, और इस होटल की स्पेशल जो चीज़ है ना, अब वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, इसको हमारी जबान में कहते हैं चूरी, जो कि देसी घी में तैयार होती है, और पराठे के साथ और ऊपर से देसी घी, फिर चीनी, मज़ा आ जाता खाने का। अब ये हमारा दोस्त सिर्फ अकेला अकेला खाई जा रहा है, और हमें पूछ भी नहीं रहा। अच्छा जी, अब हमने खाना खा लिया, और अब हम इधर से निकल रहे हैं अपने शहर के लिए, और सब भाइयों ने खाना खा लिया, फुल फुल खाया। शेब भाई ने तो बस छोड़ा भी कुछ नहीं। ये देख यार, दिल का तो मुंह तो दिखाया, दिखा दिया सारा, और कुछ जी जी। अब हम जा रहे हैं गाँव अपने शहर, यार उधर जाके ये तो बताया ना, और एक्सपीरियंस तो हमारा बहुत अच्छा रहा है। और इधर से व्लॉग का गाड़ी में ही एंड करते हैं, जो अपने शोरबे वाला था शेब की, सुबह जिंदगी रही तो अपना व्लॉग स्टार्ट करेंगे। बात आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं, मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो, या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।